सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है किसी भी बिल्डिंग की स्टेयरकेस वायरिंग किस तरह की जाती है। फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास मल्टीपल फ्लोर है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 और कितने भी मल्टीपल फ्लोर हो, तो उस कंडीशन में हम स्टेयरकेस वायरिंग किस तरह कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली वायरिंग भी बनाएंगे एवं उसको ड्रॉइंग से भी समझेंगे। इससे पहले हमने स्टेयरकेस वायरिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, दैट मीन्स यदि हमारे पास सिंगल फ्लोर है, दैट मीन्स यहाँ पे एक फ्लोर है, यहाँ से हम किसी भी बल्ब को ऑन और यहां से ऑफ कर सके, तो उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं। एवं जो गोडाउन की वायरिंग की जाती है उसके ऊपर भी हमने पहले ही अच्छे से वीडियो बना दिया है। बट यदि हमारे पास मल्टीपल फ्लोर हो, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, तो उस कंडीशन में स्टेयरकेस वायरिंग किस तरह की जाएगी वह हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हम यह समझ लेते हैं स्टेयरकेस वायरिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि ये हमारी ये कोई सीढ़ी है, यहाँ पे कोई बंदा आया, वो बंदा चाहता है यहाँ से इस बल्ब को ऑन करे और ऊपर जाके इसे ऑफ कर सके, या ऊपर से ऑन करे तो यहाँ से ऑफ कर सके। तो इस तरह की जो वायरिंग होती है उसे टू वे स्विच से स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, हमें जो स्विच यूज करना होते हैं वह टू वे स्विच यूज करना होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं टू वे स्विच में तीन आपको यहाँ बटन नजर आ रहे हैं, बीच में लोड का वायर रहता है और ऊपर नीचे आप सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लूपिंग करते हैं। तो पहले हम फ्रेंड्स इसका देख लेते हैं किस तरह यह वर्किंग कर रहा है, फिर से हम ड्राइंग में समझने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे अभी कोई बंदा आया, वह चाहता है इस बल्ब को ऑन करे तो वह यहाँ से ऑन कर सकता है। अब वो बंदा यहाँ से यहाँ पर आया, अब वह चाहता है कि यहाँ से इसे ऑफ कर सके। अब यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, अब वो सेकंड फ्लोर पे गया है, अब सेकंड फ्लोर पे चाहता है जैसे इस बटन को प्रेस करे तो उसका यह बल्ब ऑन हो जाए। तो देख लेते हैं यह बल्ब ऑन हो गया, अब वो यहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ से इसे ऑफ कर सकता है, यह ऊपर से आ रहा है तो इसे ऑन कर दिया, यहाँ पर आके इसे ऑफ कर सकता है। तो इस तरह के आप कितने भी फ्लोर के लिए बना सकते हैं, हम जस्ट अभी दो फ्लोर के लिए दिखा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब यहाँ से वह नीचे आया, इसे ऑन किया और यहाँ से ऑफ कर दिया। तो इस तरह आप किसी भी बिल्डिंग में स्टेयरकेस वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे आप कितने भी तरीके से कर सकते हैं, सबके अपने अपनी अलग अलग वायरिंग होती है। हम जो वायरिंग दिखाई काफी सिंपल होगी, तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं पहले किस तरह इसकी वायरिंग की जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये भी कोई बंदा यहाँ पे आया, यहाँ से ऐसे ऑन करके यहाँ पे गया, यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ, यहाँ पे गया सेकंड फ्लोर पे, इसे ऑन यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ। तो इस तरह मल्टीपल फ्लोर हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी फ्लोर हो सकते हैं इसकी वायरिंग इसी तरह की जाएगी। तो हमने वायरिंग अभी टू फ्लोर के लिए की है, बट हम देखेंगे तीन फ्लोर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग किस तरह हमें करनी होगी। तो चलिए वायरिंग को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह हमें इसमें वायरिंग करना होगी। जैसा कि हमने दिखाया था, ये हमारा फेज न्यूट्रल सप्लाई आ रही है और ये सभी हमारे पास टू वे स्विच है। टू वे स्विच में हमें यहाँ पे तीन तीन पॉइंट्स नजर आते हैं, सभी जगह तीन तीन पॉइंट्स हो गए टू वे स्विच में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जहाँ पे भी ये सभी टू वे स्विच है और जितने भी यदि ऊपर और फ्लोर है तो ऊपर भी और जा सकते हैं। अब ये सभी टू वे स्विच में हमें वायरिंग करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले तो हमें जैसा कि हमें पता है लूपिंग करना होती है। तो हम यहाँ पे इसे यहाँ से लूपिंग कर देंगे, इसे यहाँ से लूपिंग कर दी। अभी हमने कुछ वायरिंग नहीं की है, जस्ट लूपिंग की है। हम सभी जगह लूपिंग कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ से यहाँ पे अभी लूपिंग कर ली है, यहाँ से यहाँ पे अभी लूपिंग कर ली है, ये लूपिंग हो गई। और यदि ऊपर भी हो तो ऊपर भी यहाँ पे हम लूपिंग कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट अभी लूपिंग की है। अब हम देख लेते हैं किस तरह हमें वायरिंग करना होगी। तो यहाँ पे हमें दो इसलिए कनेक्ट करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी फ्लोर चेंज होगा वहाँ पे दो टू वे स्विच इसलिए कनेक्ट करना है क्योंकि एक इसे ऑन एक इसे ऑफ करने के लिए, यह सेकंड फ्लोर के लिए ही लगाया है, इसलिए हमें यहाँ पे दो टू वे स्विच कनेक्ट करना है। अब हम इसकी वायरिंग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लूपिंग तो अभी कर दी है, हम न्यूट्रल यहाँ पे लाएंगे। न्यूट्रल लाके इस बल्ब में हमने अभी कनेक्ट कर दिया है, अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब हमारे पास एक फेज बच रहा है और एक बल्ब का वायर बच रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, हम फेज को लाके इस टू वे स्विच के सेंटर में दे देंगे। यहाँ पे हमने फेज को यहाँ पे सेंटर में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे जो दूसरा वाला वायर बच रहा है इसे हम ले जाके इस टू वे स्विच के लोड में कनेक्ट कर देंगे।
तो उससे क्या होगा, हम जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो भी हमारा बल्ब ऑन होगा, इसे ऑन करेंगे तो भी हमारा बल्ब ऑन होगा। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए हो गया है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट न्यूट्रल बल्ब में दे दिया, बल्ब का दूसरा वाला वायर यहाँ पे लोड में दे दिया और यहाँ पे हमने लोड में दे दिया, बाकी जगह हमने लूपिंग की है। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हम यहाँ से कोई भी बंदा आएगा और ये बंदा यहाँ से अगर भी बल्ब को ऑन करता है तो यहाँ से इसे ऑफ कर सकेगा। अब हम सेकंड फ्लोर के लिए देख लेते हैं, सेकंड फ्लोर के लिए किस तरह होगी। सेकंड फ्लोर पे करने के लिए हमने लूपिंग तो पहले ही कर दी है, हमें यहाँ पे पहले बल्ब में कहीं से न्यूट्रल देना होगा। अगर सेकंड फ्लोर पे न्यूट्रल अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि अगर सेकंड फ्लोर पे न्यूट्रल नहीं है, यदि सेकंड पे न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी फर्स्ट से ले जा सकते हैं, अवेलेबल हो तो यहीं से दे दीजिए, नहीं तो यहाँ से फर्स्ट से हम न्यूट्रल को ले जा सकते हैं। यहाँ से हम अभी न्यूट्रल को दूसरे बल्ब में कनेक्ट कर दिया है, दैट मीन्स अभी क्या हुआ, इस बल्ब में न्यूट्रल आ गया है और लूपिंग यहाँ पे हो गई है। अब हमें यहाँ पे एक जगह फेस कनेक्ट करना है और एक जगह लोड कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यह फेस जो हमारा आ रहा था इसे ही हम आगे बढ़ाकर यहाँ पे ले जाएंगे। फेस और न्यूट्रल हम यहाँ पे ले गए और न्यूट्रल तो हमने दे दिया था, फेस को यहाँ पे बीच में कनेक्ट कर दिया है और जो बल्ब का दूसरा वाला वायर बच रहा था उसे लाकर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। यदि आपके पास सेकंड फ्लोर में फेज और न्यूट्रल अलग से अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको यहाँ से ले जाना नहीं होगा, बट यदि नहीं अवेलेबल है तो इस तरह से आप ले जा सकते हैं। अब आपको थर्ड फ्लोर की वायरिंग करना, थर्ड फ्लोर के लिए क्या होगा, हमने सेकंड के लिए कर ली है, अब ये बल्ब यहाँ से ऑन और यहाँ से ऑफ होगा। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए हमें सबसे पहले तो लूपिंग करना थी, जो लूपिंग हम कर चुके हैं। अब हम इसके ऑन ऑफ के लिए वायरिंग देख लेते हैं, थर्ड में क्या होगा, वो यहाँ से ऑन होना चाहिए और यहाँ से भी ऑन, यहाँ से ऑफ और यहाँ से भी ऑफ होना चाहिए। तो थर्ड में क्या रहेगा, जस्ट वैसा ही रहेगा, लूपिंग तो हमने डाल दी है और लूपिंग डालने के बाद हमें यहाँ पे जैसा कि हम हमेशा करते हैं न्यूट्रल पहले बल्ब में देना होगा। तो न्यूट्रल अगर थर्ड फ्लोर पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहीं से ले जा सकते हैं, हम न्यूट्रल यहाँ पे ले गए। अब हमें क्या करना है, लूपिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं, एक फेज यहाँ पे कनेक्ट करना है और बल्ब का दूसरा वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो बल्ब फेज हम यहाँ से यहाँ तक हम फेज लाए थे, नहीं लाए थे तो यहीं से, दैट मीन्स यहाँ से हमने फेज उठा के यहाँ लोड में कनेक्ट कर दे। जब आपके पास थर्ड फ्लोर पे कहीं पर भी फेज हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमने थर्ड फ्लोर में यहीं से फेज उठाकर यहाँ पे दे दिया। अब जो दूसरा वाला वायर यहाँ पे बल्ब का आ रहा था उसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह आप कितनी भी बिल्डिंग के कितने भी फ्लोर हो उसमें आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। यदि और भी आगे फ्लोर हो गए तो आप यहाँ पे आगे इसे बढ़ाते जाइए और आपकी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने जो अभी वायरिंग की थी वह देख लेते हैं, उसका कनेक्शन हमने इसी तरह किया है, हम स्टेप बाय वायर देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे किस तरह कनेक्शन हुआ है। चलिए हमने जो कनेक्शन किया उससे पहले इसमें जमा लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके, और इस वायरिंग को आप गोडाउन में भी कर सकते हैं। दैट मीन्स जो फ्लोर आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, आप इसी वायरिंग को गोडाउन में भी ले जाइए और गोडाउन में आगे बढ़ाते जाइए तो भी आपकी वायरिंग है गोडाउन के लिए हो जाएगी। हमने जो वायरिंग पहले गोडाउन के लिए बताई थी उसमें क्या होता था, एक बल्ब ऑन होता था तो एक ऑफ होता था, बट उसमें दिक्कत यह होती थी, सपोज कोई पर्सन यहाँ से यहाँ पे बढ़ा और यहाँ से बल्ब ऑन करता है तो यह वाला ऑफ होके यह ऑन होता था, यहाँ पे आगे बढ़ा तो यहाँ का ऑन होके यहाँ का ऑफ होता था, बट सपोज कोई पर्सन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, अब वो बल्ब यहाँ का ऑन करना चाहता है प्लस यहाँ का भी ऑन करना चाहता है तो उस कंडीशन में दोनों बल्ब ऑन नहीं होगे, एक बल्ब कोई भी ऑन होगा, उसमें यह दिक्कत होती थी। बट यदि आप इस तरह की वायरिंग करते हैं किसी भी गोडाउन में तो आपको इसी वायरिंग को आगे बढ़ा दीजिए तो वो आपके गोडाउन की वायरिंग हो जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह हमने वायरिंग की है, चलिए हम देख लेते हैं हमने किस तरह इसकी वायरिंग की है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लूपिंग डाल दी है, यहाँ से ब्लू की यहाँ पे, यहाँ से ब्लू की यहाँ पर, फिर ये क्या किया है, यह ब्लू की यहाँ पर, यह ब्लू यहाँ पर, दैट मीन्स अभी हमने दो फ्लोर के लिए किया था और दोनों जगह भी सबसे पहले हमने अभी लूपिंग डाली, अभी कुछ नहीं किया है। उसके बाद हमने क्या किया, यह न्यूट्रल हम लाए और न्यूट्रल को लाने के बाद इस बल्ब में दिया इनमें, और इसका जो एक वायर बच रहा था उसे ले जाकर हमने यहाँ पे बल्ब में कनेक्ट कर दिया, जो हमने यहाँ से यहाँ पे किया था उसी तरह, और हमने यहाँ पे फेस को बीच में कनेक्ट कर दिया है। तो यह हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए हो गया था, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ से लाइट ऑन और ऑफ होगी। सेकंड फ्लोर के लिए हमने क्या किया था, लूपिंग तो हमने पहले ही डाल दी है, बल्ब का एक वायर में हमने न्यूट्रल फर्स्ट फ्लोर से ही ले गए थे, यहीं से यह न्यूट्रल हम ले जाके इस बल्ब में ले गए। इस बल्ब से हमने क्या किया, जो बल्ब का दूसरा वाला वायर बच रहा था उसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और जो फेज वाला वायर था उसे हम यहाँ से ले जाके यहाँ पे बीच में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे सेकंड फ्लोर के लिए वायरिंग कंप्लीट हो गई, जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था
उसी लिए हुई है। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह यह काम कर रही है एक बार फिर से। अभी हमने क्या किया, कोई बंदा यहाँ पे आया, उसने यहाँ से इसे ऑन किया। अब वो सपोज ऊपर जाता है तो ऊपर से इसे ऑफ कर सकता है। अब वो सेकंड फ्लोर पे गया तो सेकंड फ्लोर पे इसे ऑन कर लिया और ऊपर जाके इसे ऑफ कर दिया। यदि और भी मल्टीपल फ्लोर होते हैं तो ऊपर जाके इसे ऑन ऑफ कर सकता है। अब सपोज उसने ऊपर से इसे ऑन किया, वो यहां से यहां पे आया, इसे ऑफ कर दिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे आया, इसे ऑन किया और यहां से आके इसे ऑफ कर दिया। अब सपोज कोई बंदा यहाँ पर है, उसने इसे ऑन किया और वो यहीं पर है, और सेकंड फ्लोर पर सपोज कोई अदर बंदा है, अब वो चाहता है कि वो इसे ऑन करे तो इसे भी ऑन कर सकता है। देखो एट ए टाइम दोनों लाइट भी ऑन हो सकती है, बट हमने जो गोडाउन वायरिंग की थी यदि उसमें हम करते थे तो एट ए टाइम एक ही लाइट ऑन रहती थी, उसमें ये उसका डिसएडवांटेज था। इसमें हम एट ए टाइम दोनों लाइट को ऑन कर सकते हैं, तो कोई भी लाइट कभी भी ऑन और ऑफ हो सकती है कहीं से भी, जिस तरह हमने इसकी वायरिंग की है इसी तरह। सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। तो आप यही वायरिंग को एक बार फिर से बता दें, गोडाउन में भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह हमने फ्लोर आगे बढ़ाए थे उसी तरह आप इसे आगे बढ़ा दीजिए गोडाउन में। तो एट ए टाइम आप यहाँ की भी लाइट, सपोज ये कोई गोडाउन है, यहाँ की भी लाइट ऑन कर सकते हैं, यहाँ की भी कर सकते हो, जितने भी जगह लाइट है उसे एट ए टाइम ऑन कर सकते हैं। तो गोडाउन में यदि आप चाहते हैं कि एट ए टाइम मल्टीपल लाइट ऑन हो सके तो उसके लिए आप इस वायरिंग को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।